प्यारियों दशमेश पिता जी की बख्शिश की फतेह की सांझ पाई है जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास साढ़े लिए, साढ़े बच्चों लिए, सब लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सानू इस इतिहास तो जिथे सिख इतिहास बारे, सिखां दे जीवन बारे, सिखां दी रोह रीतां बारे, जो गुरु साहिबान के महान जीवन उन्होंने असूलों बारे पता लगता है, उत्थे सानू वहमां भरमां तो भी बड़ा सुचेत हुंदा है जी। मैं तुहाडे नाल बड़े संखेप जे विचार शनि देवते का खंडन जो साखियां ने सिख इतिहास दियां, उन्हां विच्चों शनि देवते दे खंडन बारे संखेप रूप में दसण दा यतन करांगा जी। ध्यान नाल सरवण करो जी। सिख धर्म का सब तो पहला असूल परमात्मा एक है। साढ़े गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी हैं। सो आप जिथे सिख धर्म के बड़े विलखण असूल हैं, हिंदू समाज के वखो वख देवी देवत्यां की पूजा की जाती है वखो वख कारजां लई, जिवें कि वड्डी उम्र वास्ते मारकंडे की, दर तो बचण वास्ते इंद्र देवते की, ते बीमारी तो बचण वास्ते शनि देवते की पूजा की जाती है। पर गुरु साहिबान सिखां नूं बड़ा चौकन्ना करते रहे हैं, दसते रहे हैं कि आपां इन्हां वहमां भरमां तो बचना है। पर कई बारी गुरु साहिबान सिखां दा इम्तिहान भी लेंदे रहे हैं। इत्थे जो वेदवे ब्राह्मण सी वो दान मंगया करदा सी, ते दशमेश पिता जी पास एक बारी आया तो दशमेश पिता जी सिंघां दा निरीक्षण करना चाहते सन, परख करनी चाहते सन। तो उस ब्राह्मण नू दशमेश पिता जी ने कहा कि तुसी इस निचरवार नू आ के दान लै जाना। वो ब्राह्मण बड़ा खुश होया कि गुरु जी पता नहीं किड्डा वड्डा दान देणगे। वो कुछ खोते लै गया कि ते दान लद के लियावांगे, सनिचरवार नू चला गया। तो दशमेश पिता जी ने दीवान चंद नू कहा कि इस ब्राह्मण नू तुसी दान दे देवो। उहदे खोते लद दित्ते ते खोते लद के वह रास्ते में जा रहा है। कुछ सिंघां ने सोचिया वो दरबार दे उठ के उहदे मगर गए, उत्थे जा के रास्ते जिहनू रोकिया ते दान वो सारा वापस लिया के गुरु के लंगरां दे विच वो सारी रस वरता दित्ती। सो गुरमुख प्यारिओ, ये जो इतिहास है सानू आ विचारन दी लोड़ है, अपने बच्चों नू दसण दी लोड़ है, ते इस तों सिख्या लै के आपां नू इन्हां वहमां भरमां तों सुचेत होण दी लोड़ है। तो सुचेत हो के आपां उहदे इतिहास नू चंगी तरह पढ़ीए ते वहमां भरमां तों आपां सुचेत होईए। सो भुल चुक दी खिमा ये आप पढ़ो जी ते बच्चों नू दसो जी। फतेह बुला दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।